So hello guys, क्या आप लोग भी अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ऐसा या फिर ऐसा बनाना चाहते हैं? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो हेलो गाइस, दिस इज किशन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक अलाइट। दोस्तों, आप सभी को पता है वीडियो क्रिएशन में वीडियो एडिटिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सोशल मीडिया फील्ड में है, अगर आप चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियो को आप अपलोड करते हैं तो वहां पे आपकी वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए, तभी ऑडियंस उसको देखती है और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है, व्यूज आते हैं और उस चीज के आपको पैसे मिलते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है? प्रोफेशनल ऐप। एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग ऐप आप लोग के पास होना चाहिए जिसमें आपको सारे फीचर्स मिले, जैसे कलर ग्रेडिंग हो गया, कलर करेक्शन हो गया, साउंड इफेक्ट्स डालना हो गया, ऑटोमेटिक साउंड को इनहेंस करने का फीचर, ऑटोमेटिक वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करने का फीचर। ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन में मिल जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ कैपकट एप्लीकेशन के बारे में। आपने थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिया होगा कि हम लोग बात करने वाले कैपकट एप्लीकेशन के बारे में। ये वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा मैं आपको कैपकट एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको सारी चीजें उसकी ब्रीफिंग दूंगा, क्या क्या टूल्स है जिनको यूज करके आप अपनी वीडियो को एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये ऐप तो इंडिया में बैन है, तो कैसे हम इसको यूज करेंगे? डोंट वरी दोस्तों, मैं हूं तो सारी चीजें पॉसिबल है। iOS हो या एंड्रॉइड हो, दोनों में कैसे डाउनलोड करना है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो दोनों वीडियो को जाके आप देखिए और कैपकट को अपने एंड्रॉइड या iOS डिवाइस में आसानी से डाउनलोड करें। और दोस्तों, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस न करें। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज के वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल को मैंने मेनली 4 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। इसमें वीडियो एडिटिंग पे मेन फोकस रहेगा, लेकिन उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है जिसको मैं जल्दी कवर करूंगा वीडियो में। इन तीनों टॉपिक पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर इन पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी वीडियो एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और क्या पता अच्छे से प्रोफेशनल एडिट ना हो पाए, ठीक है। लेकिन अगर इन 3 टॉपिक पर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होगी। आपको उसको करने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्ट एडिट कर पाएंगे और बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील होगा एडिटिंग करते वक्त। तो इन 3 चीज़ों का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्रिप्टिंग की। अगर कभी भी आप वीडियो एडिट करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान देना है, स्क्रिप्ट का। आपको स्क्रिप्ट ज़रूर लिख लेना है, आपको टॉपिक लिखना है, बुलेट पॉइंट्स लिख लेने हैं, यानी सब टॉपिक्स लिख लेने हैं कि आप वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या आप ऑडियंस को बताएंगे, जिससे आपकी वीडियो ना ज़्यादा लंबी होगी ना ज़्यादा छोटी होगी, एग्जैक्ट उतनी होगी जितनी आपने सोची है और उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप अपनी ऑडियंस को दे पाएंगे जितनी आप देना चाहते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपकी वीडियो एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, शूटिंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। आप रुक के नहीं बोलते क्योंकि आपको पहले से पता होता है क्या बोलना है। सेकेंड, हम लोग बात कर लेते हैं शूटिंग के बारे में। शूटिंग में आप लोगों को 3 चीज़ का मेनली ध्यान देना है। आपके दिमाग में कट टू कट क्लियर होना चाहिए कि आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसको हम रील भी कहते हैं, तो आपको फ़ोन को वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करना है, जिसको हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो आपको फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे होल्ड करना है, जिसको हम लैंडस्केप मोड भी कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आपका जो फ़ोन है वो आपके हेड से मैच होना चाहिए। हेड के ऊपर आपको हल्का सा रूम छोड़ना है और ज़्यादा फ़ोन को डाउन और ऊपर नहीं करना, कैमरे का एंगल सही रखना है। थर्ड चीज़, किसी भी स्टेबल जगह पे रख के फ़ोन को शूट करिए, हाथ में पकड़ के शूट मत करिए, नहीं तो उससे वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी होती है, हिलती है वीडियो, ठीक है। तो आप स्टैंड का यूज़ करिए या किसी स्टेबल जगह पे रख दीजिए। सेकंड, आप लोग को ध्यान रखना है लाइट का, आपके चेहरे पे प्रॉपर अमाउंट में लाइट आ रही है कि नहीं। नेचुरल लाइट आ रही है तो वेल एंड गुड है, आपके चेहरे पे सामने से नेचुरल लाइट आ रही है, आप नेचुरल लाइट का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करिए। रिंग लाइट हो गई, बल्ब हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, जिससे आपके चेहरे पे प्रॉपर अमाउंट में लाइट आएगी और आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। थर्ड जो हम बात करते हैं वो है शॉर्ट क्लिप्स में रिकॉर्ड करिए, मतलब एक ही बार में पूरी शूटिंग करने की कोशिश मत करिए, छोटे छोटे क्लिप्स में डिवाइड करिए और उनको हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे अपनी वीडियो एडिटिंग में। थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी में मेन इंपॉर्टेंट रोल तो वैसे माइक का होता है, लेकिन हम सभी के बाद इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि हम 10-15 हज़ार रुपये माइक के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास में यार कोई भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा माइक के ऊपर। इसलिए आप लोग को ध्यान देना है कि जो आपका फ़ोन है वो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा, साउंड क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी। सेकंड, आप लोग को ऐसे एटमॉस्फेयर में रिकॉर्ड करना है जो बहुत ही ज़्यादा शांत एटमॉस्फेयर हो, बैकग्राउंड में नॉइस ना आ रही हो, ना कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया ऐसी कोई आवाज़ें ना आ रही हो, ना कोई इंसान बोल रहा हो। जितना ज़्यादा शांत एटमॉस्फेयर होगा, साउंड की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसे रूम में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है जो कि खाली हो, उसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा इको आएगा और जो कि वीडियो में बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। सो ऐसे एटमॉस्फेयर में रिकॉर्ड करिए कि इसमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगे हों, जैसे पिलो, कर्टन, इवन हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप अलमीरा के पास जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। रात में रिकॉर्डिंग करिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि रात में सारी चीज़ें शांत होती हैं और साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है आपके आसपास, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो आप किसी की कार में जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन होता है। कार में रिकॉर्ड करने पे ऑटोमेटिकली वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें ऑलरेडी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगे होते हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को आप यूज़ करके अपनी वॉइस को प्रीमियम लुक दे सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट कंपोनेंट जो कि है वीडियो एडिटिंग के बारे में, जिसको मैंने मेनली 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले वीडियो की क्लिप को कैसे आपको कट करना है, स्प्लिट करना है, स्केलिंग कैसे करनी है, ये सारा टॉपिक होगा। सेकंड में आपको कलर ग्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। थर्ड, वीडियो बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, ऐड कैसे करना है। फोर्थ, वॉइस इन्हेंस कैसे करना है। फिफ्थ पे आपका टेक्स्ट, क्लिप, स्टिकर्स, ये सारी चीज़ों को कैसे ऐड करना है। और जो सिक्स्थ है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, वीडियो इफेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, डुप्लीकेट कैसे बनाना है, स्टेबलाइज कैसे करना है वीडियो को, मोशन ब्लर क्या होता है, रिवर्स क्या होता है। सो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो ये 6 क्लिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अब आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको एक सबसे पहले लेयर सेलेक्ट करना है। आप फोटो वाले ऑप्शन में जाके किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी ब्लैंक जो इमेज है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपकी मेन लेयर होगी जिसके ऊपर आप सारा प्रोजेक्ट करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बीच में मैं बताऊंगा आप लोग को। यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लीजिए और इसको एक्सटेंड कर लीजिए। जितनी भी लंबी आपने शूटिंग करी हुई है यानी आपकी जितनी बड़ी वीडियो होने वाली है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिए। वो बाद में भी आप कर सकते हैं एक्सटेंड, लेकिन ये आपको एक लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी क्लिप को ऐड करना है। सो कैसे क्लिप को ऐड करेंगे ये देखिए। अब ये लेयर को सेलेक्ट कर रखा है मैंने, यहाँ पे आपको साइड में टैप करना है और यहाँ पे जब आप देखेंगे बैक जाएंगे तो यहाँ ओवरलेस का ऑप्शन मिलेगा। इस ओवरलेस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है और ऐड ओवरलेस पे करना है और यहाँ वीडियो वाले सेक्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो शूट कर रखी है तो मैं इस वीडियो पे आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो मेरी हो गई है। यहाँ पे इस वीडियो को जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं और इस वीडियो को मैं स्टार्टिंग में लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं जो क्लिप आपने सेलेक्ट करी है। सो मैं आप इसको स्टार्टिंग में लेके आऊँगा। अब इस क्लिप के ऊपर हम पूरी तरीके से वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात का ध्यान देना है। बैक जाना है और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप रील बनाते हैं तो उसका रेशियो अलग होता है, अगर लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसका रेशियो अलग होता है। रील या शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उसमें रेशियो होता है 9:16 जो कि ये टिकटॉक का साइन दे रखा है। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसका रेशियो होता है 16:9 जो कि यूट्यूब का साइन यहाँ पे दे रखा है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने 16:9 को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे डन कर देंगे हम और वापस से अपने ओवरलेस को टैप करके अपनी क्लिप के पास चले जाएंगे। अब सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो स्प्लिट करना, कट लगाना, ये इन बातों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मेरी वीडियो का ये जो पार्ट है पूरा अनवांटेड है। सो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कट, तो मैं इसको टच करूँगा और यहाँ से मैं करूँगा स्प्लिट। स्प्लिट यानी ये मेरे वीडियो का पार्ट अलग हो गया, ये वीडियो का पार्ट अलग हो गया। अब मैं इस पार्ट को क्या कर दूँगा डिलीट और इसको मैं वापस से ऐसे थोड़ी देर होल्ड करूँगा और वापस से स्टार्टिंग में लेके आ जाऊँगा। सो ये हो गया मेरा कट और स्प्लिट करना। और मैं इसको आगे पीछे क्रॉप भी कर सकता हूँ। आगे पीछे जो वीडियो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ क्रॉप कर रहा हूँ। एक ये भी क्रॉप होता है, एक फ्रेम को भी क्रॉप करना होता है। तो ये वीडियो को मैं आगे पीछे क्रॉप कर दे रहा हूँ। अब जो हम आगे बढ़ते हैं वो वीडियो की स्केलिंग की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की स्केलिंग मतलब वीडियो को बड़ा छोटा करना, यानी अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। आपके वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा है तो उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लिया। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन में मेनली 3 टॉपिक होते हैं, इन, आउट और कॉम्बो। इनका मतलब आपकी जो एनिमेशन आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, आउट का मतलब आपकी एनिमेशन जा रही है तो वो किस तरीके से जा रही है, और कॉम्बो का मतलब आपकी पूरी एनिमेशन जो है वो कैसे रहेगी। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन, आउट और कॉम्बो ये 3 टाइप के इफेक्ट होते हैं एनिमेशन में। अब जब इन एनिमेशंस होते हैं इसमें बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे जूम इन का, रॉक वर्टिकल रॉक डाउन का, फीड इन का। वैसे आपको आउट में भी स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट, जूम इन, जूम आउट और बहुत सारे रोटेट, फ्लिप, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इनका यूज़ करके आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं अपने वीडियो में। एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये सारी चीज़ें थी वीडियो क्लिप का पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कलर ग्रेडिंग की तरफ। कलर ग्रेडिंग में जनरली दो चीज़ें आती है हमारे पास, एक तो लाइट का करेक्शन करना और एक तो कलर का करेक्शन करना। सो उसके लिए आपको सिंपली क्लिप को टच करना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो आपको ब्राइटनेस को जैसे आप टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे चेहरे पे ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो गई है। कॉन्ट्रास्ट को टच करेंगे तो जो होगा वीडियो हल्की सी फेड होगी, या फिर यहाँ पे जब करेंगे तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग सा दिखेगा आपको, यानी एजेस बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। तो इनमें ये जो कलर करेक्शन वाला पार्ट होता है और ये जो लाइटनिंग वाला पार्ट होता है वो आपको वीडियो के अकॉर्डिंग ही सेट करना पड़ता है। वो आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई प्रोफेशनल नहीं बता सकता। आपकी वीडियो अच्छी लगे, प्रोफेशनल लगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें सेट करनी होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं सैचुरेशन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये मेरा हल्का हल्का ऑरेंज है, तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूँगा -10 तक। फिर ब्रिलियंस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, इसको हल्का सा इंक्रीज़ कर दूँगा। इसको हमेशा इंक्रीज़ ही करना है इस ऑप्शन को। शार्पनेस को भी हमेशा इंक्रीज़ करना है आपको, 10 से 15 पे रखना है, 20 पे भी रख सकते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग। ये ऑप्शन HSL का, ये कलर ग्रेडिंग का पार्ट है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपको हाईलाइट वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है चेहरा तो ये हाईलाइट है, इसको हल्का सा कम कर सकते हैं। और अगर आपको और गोरापन चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे शेडो भी हल्की सी कम हो जाती है, तो मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और यहाँ शेडो है, इसको भी हल्का सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे कम भी कर सकते हैं शेडो, ठीक है। चेहरे के ऊपर देख रहे हैं ये जो शेडो आ रही है ब्लैक सी, ये कम हो जाएगी, इसको आप इंक्रीज़ करेंगे तो। आप टेम्परेचर को समझिए, अगर आप सुबह के टाइम पे शूटिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, कूल टेम्परेचर होता है। तो अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये वार्म होता है, आप इसको डिक्रीज़ करते हैं तो ये क्या होता है, कूल होता है। ओके, सो यहाँ पर जब आप कूल वाले टेम्परेचर में वीडियो शूट करते हैं तो आप हमेशा थोड़ा सा वार्म बढ़ाइए ताकि बैलेंस हो जाए। अगर आप वार्म वाले टेम्परेचर में शूटिंग की हुई है आपने, सो इसको कूल की तरफ लेके जाइए ताकि टेम्परेचर बैलेंस हो। इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब नेक्स्ट वाले बढ़ते हैं हमारा विग्निटी पे। ये दोनों पार्ट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फेड वाला आप बढ़ा भी सकते हैं, ये थोड़ा सा ओल्ड क्लासिक लुक देने के लिए होता है। विग्निटी पे जाना है और यहाँ पे विग्निटी में आपको ये जो साइड कॉर्नर्स हैं इसको पक्का से इंक्रीज़ करना है। क्यों इंक्रीज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है आपकी वीडियो में। सो इसको ज़रूर से इंक्रीज़ कर दीजिए। इसको इंक्रीज़ करने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे कलर ग्रेडिंग की तरफ। HSL में देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर कलर को ब्राइट या डार्क अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे ही इसको सेट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो स्किन का कलर होता है, ये जो ऑरेंज कलर है स्किन का कलर है। जनरली आपको ज़्यादा सारे कलर्स को नहीं टच करना है। अगर ग्रीन बैकग्राउंड है तो ग्रीन कलर को भी टच कर दीजिएगा, लेकिन जनरली ये स्टार्टिंग के 4 कलर्स हैं, इन्हीं की हेल्प से करना है। और अगर स्काई है तो आप ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो कलर आपकी वीडियो के बैकग्राउंड में है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करना है आपको। तो यहाँ पे पहले स्किन के कलर के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसको हल्का सा आपको आगे करना है, ये चीज़ फिक्स होती है। इसको हल्का सा पीछे करना है और इसको हल्का सा आगे करना है। लाइटनेस, सैचुरेशन और ह्यूई को, इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन होगी वो ब्राइट होगी। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको कम करूँगा तो देखिए स्किन हल्की सी कम हो रही है। इसको सैचुरेशन को हल्का सा कम रखिए, इसको भी हल्का सा कम रखिए, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए लाइट की इंटेंसिटी को। इससे देखिए चेहरा ब्राइट हो गया। बाकी मैं इसमें कोई टच नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने कलर के अकॉर्डिंग सेट करना है जो आपके बैकग्राउंड में कलर है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये था हमारा कलर ग्रेडिंग का पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के बैकग्राउंड की तरफ। वीडियो का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वीडियो का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, वीडियो बहुत ज़्यादा चीप लगती है। सो इसको कैसे रिमूव करना है और नया बैकग्राउंड प्रोफेशनल सा कैसे ऐड करना है, सिंपली आपको क्लिप पे ऐड करना है, यहाँ पे टच करना है और यहाँ पे जब साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमूव बीजी का ऑप्शन दिखेगा। कैपकट आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर प्रोवाइड करता है ऑटो रिमूवल का। जैसे आप इसको टैप करेंगे तो वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हमारा काम आएगा जो हमने मेन लेयर सेलेक्ट कर रखी थी उसका काम। अब देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा वीडियो के अकॉर्डिंग तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो पीछे बैकग्राउंड है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा या फिर मेरे जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये मैच नहीं कर रहा। सो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पीछे जो हमारी लेयर है उसको टच करिए और यहाँ पे जब आप साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिप्लेस का ऑप्शन दिखता है। जैसे ही रिप्लेस के ऑप्शन पर टैप करेंगे यहाँ पे आपको गूगल क्रोम से कोई सा भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, सो मैं उसको टच करूँगा तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं वीडियो का बैकग्राउंड बिल्कुल ही चेंज हो गया और कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है गाइस। सो आप कोई भी टेक चैनल से कैटेगरी से रिलेटेड है तो टेक कैटेगरी का कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किचन से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हैं तो किचन का बैकग्राउंड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड किसी भी टॉपिक से ऐड कर सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से टच करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये बैकग्राउंड यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा, लेकिन एज अ मेन लेयर सेलेक्ट कर रखा है हमने इसको, इसलिए ये डिलीट नहीं हो रहा। ओके, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर वापस इसको टच करेंगे और वापस से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाके ऑटो रिमूवल पे टैप करके रीस्टोर करेंगे तो ये वापस से हो जाएगा। ठीक है, वापस से ये रीस्टोर हो जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके वीडियो को बनाते हैं और ग्रीन कलर ही रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐड ओवरलेज वाले ऑप्शन पर जाना है और अपनी एक ग्रीन स्क्रीन वाली जो वीडियो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये मैं वीडियो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है ये। जैसे ही इस वीडियो को आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर वापस से रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे इस क्लिप को टच करने के बाद और यहाँ क्रोमा की वाले पे ऑप्शन पे जाना है आपको। अब यहाँ से कलर पिक करना है। देखिए हमने ग्रीन कलर पे पिक कर लिया है और यहाँ से इंटेंसिटी को जैसे ही आप इंक्रीज़ करेंगे देख सकते हैं ये पूरी तरीके से गायब हो गया है और आपको हल्का सा शेडो भी बढ़ा लेना है। अब देखिए जब मैं इसको वीडियो को प्ले करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर जो है पूरी तरह से रिमूव हो गया और यहाँ से कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है ये वीडियो, प्रोफेशनल लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे वॉइस इनहेंसिंग के फीचर के बारे में। अब यहाँ पर मैं उसके लिए अपनी सिंपली वापस से इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, अनवांटेड पार्ट को, और ये जो हमारी वीडियो की क्लिप है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से वॉइस इनहांस में तीन चीज़ों को आपको करना है। सबसे पहले वॉल्यूम को आपको फुल कर लेना है। चाहे क्यों करना है ऐसे, इसके पीछे ये रीज़न है कि पब्लिक एरिया में जब आपकी वीडियो देखते हैं लोग तो उनको वॉइस प्रॉपरली लिसन नहीं हो पाती क्योंकि उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए आपको इसको हमेशा 1000 पे रखना है ताकि वॉल्यूम हमेशा मैक्सिमम हो, लोग आसानी से पब्लिक एरिया में भी सुन सकें। नेक्स्ट जो फीचर होने वाला है वॉइस इनहांस का वो मेरा कैपकट का पर्सनल फेवरेट है। जैसे आप इसको इनेबल करते हैं, यहाँ पे जैसे आप क्लिप को टैप करेंगे और यहाँ से साइड में वॉइस इनहांस करेंगे सो आपकी जो बैकग्राउंड की जो नॉइज़ होती है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, वोकल इनहांस हो जाएगी, ईको जो होता है वो भी गायब हो जाएगा, क्रिस्पी साउंड हो जाएगा और साउंड की बफरिंग भी गायब हो जाएगी। आपको सिंपली इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ पे इसको 100% पे आपको कर देना है। 100% पे करते ये सारे के सारे जो फीचर्स मैंने अभी बताए वो सारे के सारे ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई हो जाएंगे। ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है अप्लाई होने में और आपकी वीडियो को ऑटोमेटिक वॉइस इनहेंस करके दे देता है आपको। लेकिन आप क्या करिए, वीडियो की क्लिप्स को क्या है 1-1 मिनट में कट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये काम आपका फास्ट होगा। तो 1-1 मिनट की क्लिप को आप कट कर देना है और उस पर ये वॉइस इनहेंस का फीचर आपको इनेबल कर देना है। इस फीचर को अप्लाई करने के बाद भी आपको एक काम करना है, यहाँ पे साइड में स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे रिड्यूस नॉइस का ऑप्शन होता है, इसको आपको डिसेबल होगा, इसको आपको वीडियो का इसको आपको इनेबल करने से क्या होगा कि जो आपके बैकग्राउंड में पीछे जो नॉइस रह गई थी थोड़ी बहुत, वो इसको इनेबल करने के बाद वो पूरी की पूरी गायब हो जाएगी अच्छे तरीके से। अब ये सारी बातें तो हो गई वॉइस इनहांस के बारे में। अब साउंड इफेक्ट्स कैसे ऐड करना है, जो वीडियो के बीच में बहुत सारे साउंड इफेक्ट आते हैं उनको कैसे ऐड करना है। यहाँ पर आपको सिंपली बैक चले जाना है बिल्कुल और यहाँ पे आपको ऑडियो वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से साउंड इफेक्ट पे टैप करना है। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वैरायटी ऑफ साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ से क्लिक का जो साउंड है वो यहाँ से देख सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव, तो यहाँ से क्लिक का जो साउंड है वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं पॉप सर्च करूँगा तो यहाँ पे पॉप से रिलेटेड जितने भी साउंड होंगे वो सामने आपके आ जाएंगे। आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं और जहाँ मर्ज़ी वहाँ इसको मूव कर सकते हैं अपने क्लिप के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये साउंड इफेक्ट्स थे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सेकंड तरीका बताता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स को ऐड करने का। आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे साउंड इफेक्ट्स को सर्च करना है और अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद जो भी साउंड इफेक्ट आपका चल रहा होगा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे। अब आपको ऐड ओवरलेस के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे दिखाता हूँ आपको, साउंड इफेक्ट्स मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड करके रखे हैं ऑलरेडी। सो यहाँ से मैं एक साउंड इफेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो यहाँ पे हिलेरियस साउंड आ रहा है, लेकिन ये साथ में क्लिप भी आ रही है, तो इस क्लिप को क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से डाउन कर देंगे। तो डाउन करने के बाद सिंपली वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना हो, साउंड ही, सिर्फ साउंड ही सुनाई देगा और जो वीडियो का जो क्लिप है वो गायब हो जाएगा। तो इस तरीके को यूज़ करके आप बहुत सारे साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। सो ये तरीका सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट, क्लिप और स्टिकर्स को ऐड करने का। तो क्लिप्स को ऐड करने का तरीका तो सिंपली आप लोग को पता है, ओवरलेज वाले ऑप्शन पे टैप करना है, सिंपली ऐड ओवरलेज पे जाके आप कोई सी भी फोटोज़ वीडियोज़ या कोई सी भी चीज़ को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो क्लिप्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ से बैक चले जाना है आपको। अब सेकेंड चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ टेक्स्ट को। टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो टेक्स्ट को अच्छे से समझिएगा किस किस तरीके से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। आपको सिंपली ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया टेक अलाइट, यहाँ पे मैंने टेक अलाइट लिख दिया। अब इस टेक अलाइट को समझिएगा मैं इसमें क्या क्या चेंजमेंट कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आपने ये टेक्स्ट को अनसेलेक्ट कर दिया, वापस इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, यहाँ पे इसको दो बार टच करेंगे तो ये पूरा आइकन आपका खुल जाएगा सामने से। बाकी यहाँ पे आप अगर ये पेंसिल का ऑप्शन आता है, ये ऊपर पेंसिल पे भी टच करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे होता है टेक्स्ट में फॉन्ट चेंज करना। आप इस टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के फॉन्ट यहाँ पे आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की स्टाइल्स देखने को मिल जाएगी, मतलब आप अपने टेक्स्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं वाइट का ऑप्शन, ब्लैक का ऑप्शन, और यहाँ पे बहुत सारे स्टाइलिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे पीछे आप बैकग्राउंड भी इनेबल कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको कुछ भी अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप ये प्रीसेट्स को टच कर दीजिए और आपका टेक्स्ट बिल्कुल ही 3D लुक में चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप अपने मैनुअली भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये स्ट्रोक हो गया टेक्स्ट के अंदर, आप उस स्ट्रोक को बढ़ा घटा सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कलर अलग अलग चेंज कर सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, वाइट ग्लो हो गया, ब्लैक ग्लो हो गया, जिस भी तरह का आप ग्लो चाहते हैं वो लेके आ सकते हैं। रेंज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बैकग्राउंड इसके अंदर अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आप लोग को एक अमेजिंग फीचर बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ये कैरेक्टर्स के बीच की जो स्पेस है उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ टेक्स्ट में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब मैं सिंपल सा ऐसे बैकग्राउंड ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं ये जो टेक्स्ट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। मैंने क्या किया, सिर्फ अलाइट को सेलेक्ट किया, तो देखिए अलाइट ये ब्लू हो गया। अब क्या है यहाँ पर, ये जो अलाइट वाला जो टेक्स्ट था, मतलब लोग क्या करते हैं कि सिंपली सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं और सारे टेक्स्ट के कलर अलग अलग होते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक साथ अगर आप टाइप करेंगे तो सारा टेक्स्ट तो सेम ही कलर का होना चाहिए ना, लेकिन ये अलग अलग कैसे होता है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं और इस वाले पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से वो कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए वाइट, ये ब्लैक है, ये वाइट है। सो आपका टेक्स्ट कुछ अलग ही दिखेगा। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आप पर्टिकुलरली उसी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए। देखिए ये अलग अलग हो गया। सो इस तरीके से लोग क्या है, पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसकी स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे इसका कोई ज़्यादा मेजर रोल नहीं है, ना के बराबर है, इसको यूज़ ही ना करो तो अच्छा है। एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टेक्स्ट किस तरीके से लिख के आ रहा है, टाइप राइटर की तरह लिख के आ रहा है, टाइप राइटर की तरह लिख के आ रहा है, या फिर हम इसको और वापस सेलेक्ट करते हैं एनिमेशन वाले, या फिर थ्रो आउट आ रहा है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं कि आपका टेक्स्ट किस तरीके से इन होगा, किस तरीके से आउट होगा। जैसा कि हम जनरली क्लिप में कर रहे थे कि जो एनिमेशन होगी क्लिप की वो कैसी होगी, वैसे टेक्स्ट की भी आप अलग अलग एनिमेशंस यहाँ से आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत ही ग्राफिकली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा, अमेजिंग लगेगा देखने में। जब भी आपकी क्लिप स्टार्ट होगी तो टेक्स्ट साइड से चल के आएंगे और टाइपराइटर की तरह लिखते हुए आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है। सो बढ़ते हमारे लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है 6th पार्ट, जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर आप लोगों को बताऊँगा जो आपकी वीडियो क्रिएटिविटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। इसमें मैं वीडियो स्टाइल इफेक्ट क्रिएट करना, डुप्लीकेट, स्टेबलाइजर, मोशन ब्लर, रिवर्स, फ्रीज, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। सो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं क्लिप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जब आप साइड में स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन दिख जाता है। अभी मैंने नेट बंद कर रखा है तो ये शो नहीं कर रहा। जनरली क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल में आप ये जो इफेक्ट देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये वीटा ऐप ओपन किया हुआ है। आप कैपकट की जगह स्टाइलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, वीडियो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आप वीटा ऐप का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। कैपकट में उतने ज़्यादा फीचर है नहीं इफेक्ट के लिए, वीटा आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ फीचर्स देता है। तो जैसे ये क्लिप को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस इफेक्ट में देख सकते हैं आप कि ज़्यादा अमेजिंग इफेक्ट है। अगर आप रील्स बनाते हैं, स्टाइलिंग रील्स बनाते हैं, ट्रांजिशंस रील बनाते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है वीडियो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जूम आउट, जूम इन इफेक्ट के साथ, हार्ट के फीचर्स के साथ, मोशंस के साथ, पार्टिकल्स के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं जिससे आप यूज़ करके एक अलग ही तरह की क्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डुप्लीकेट के बारे में। डुप्लीकेट एक फ़ीचर है जिसको आप डुप्लीकेट ऐसे अगर दबाएंगे तो सेम क्लिप क्या हो जाएगी, वापस से एक और उसकी जैसी ही डुप्लीकेट या क्लोन क्लिप बनके रेडी हो जाएगी। सो आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेम क्लिप है, अब इसको साइड वाइज आप कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट क्रिएट हो गया, यानी यहाँ पे क्लोन क्रिएट हो गया सेम बंदे का। सो इस तरीके से आप डुअल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, आप सिंपली साइड में जब स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ओपेसिटी का ऑप्शन होता है। सो इस क्लिप की ओपेसिटी को कम कर देंगे तो ऐसा लगेगा ये शेडो इसकी बनी हुई है, और यहाँ पे इसको जैसे थोड़ा सा बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देंगे और ये जो फ्रंट पार्टिकल इसको सामने लेके आएंगे तो देख सकते हैं कुछ अलग ही तरह के क्रिएशंस लेके आएंगे। सो इस तरीके का काम आप ये डुप्लीकेट का ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हैं। इसका और यूज़ क्या होता है कि लोग जनरली क्या करते हैं कि क्लिप को वापस से ऐड ओवरलेज वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, वापस से क्लिप को ऐड करते हैं। तो इतना ज़्यादा बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंपली यहाँ से डायरेक्टली सेम क्लिप को आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। ओके, सेकेंड यहाँ पे एक और चीज़ होता है ऑप्शन स्टेबलाइज का। स्टेबलाइज यहाँ पे मिनिमम, रिकमेंडेड, मोस्ट स्टेबल, ये तीन चीज़ें हैं। इससे क्या होगा, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है और आप हाथ में वीडियो शूट करते हैं और वीडियो थोड़ी बहुत शेकी है तो वो इसको स्टेबल कर देगा। तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करिए कि आप स्टैंड में ही शूटिंग करिए। अब आगे और भी फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप साइड में इसको, क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद आप साइड में स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग का ऑप्शन दिखता है। ये जनरली कैसे यूज़ होता है कि अगर कभी आप बाई चांस स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या फिर जो आईज़ है आपकी वो कैमरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, इधर उधर आप देख रहे हैं, सो कैमरा ट्रैकिंग क्या करता है, कैमरे के एंगल को अपने आईज़ के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप कैमरे में ही देख रहे हैं। तो कैमरा ट्रैकिंग का ये फीचर होता है, बहुत ही अच्छा फीचर होता है। इसको यूज़ करके आप ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब साइड में आप स्क्रोल डाउन करेंगे यहाँ पे तो आपको एक मोशन ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है। मोशन ब्लर से मतलब आप चलते रहेंगे, आपकी बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाएगी। या फिर इसका इस्तेमाल एक और चीज़ के लिए कर सकते हैं, कभी आप कार की वीडियो बना रहे हैं, सो आपका नंबर प्लेट दिख रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप वीडियो में हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली जाके पर्टिकुलर उस जगह को आप फुल्ली ब्लर कर सकते हैं। सो वो मोशन ब्लर का पार्ट आ जाता है। अब लास्ट के दो फीचर्स बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक रिवर्स का फीचर होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से क्लिप ऐड कर रखी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जब मैं इस क्लिप को प्ले करता हूँ तो देख सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट है फॉरवर्ड की तरफ आ रहा है, लेकिन जब हम ये रिवर्स का ऑप्शन जब इनेबल करते हैं, यहाँ पे आप साइड में स्क्रोल डाउन करेंगे, बिल्कुल लास्ट में होता है, यहाँ पे रिवर्स वाले ऑप्शन को जब आप इनेबल करेंगे ये तुरंत ही बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, आपकी वीडियो बिल्कुल ही रिवर्स में चलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जहाँ से आया था वापस से वहीं पे चले गए। तो ऐसा इफेक्ट क्रिएट करके लोग क्या दिखाते हैं कि बहुत ऊपर से वो लोग, नीचे से वो लोग ऊपर जंप कर रहे हैं, वो भी बैकवर्ड में बैक फ्लिप मार रहे हैं, मतलब बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ से क्रिएट करते हैं। पेंसिल को फेंक रहे वापस आ जा रहा है, जो तलवार होती है कोई, उसको तलवार को फेंका, तलवार वापस से आ गई, चक्र को फेंका, चक्र वापस आ गया। तो ये सारे इफेक्ट ये रिवर्स से वो लोग क्रिएट करते हैं, कोई ऐसा जादू नहीं होता, ये रिवर्स का इफेक्ट होता है सिर्फ। एंड लास्ट में एक फ्रीज का ऑप्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट के इस पार्ट पे, यहाँ पे जब ये ऊपर है, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रीज़ कर लूँगा। तो ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है वीडियो का ये फ्रीज़ हो जाएगा। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने क्लिप के अकॉर्डिंग, आप इसको आगे पीछे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गैप बना के आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। सो आप वीडियो का कोई भी पार्ट किसी भी पोजीशन के अंदर आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। सो ये लास्ट पार्ट था। सो मैंने सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया यहाँ पर, एंड कैपकट के जितने अप्रॉक्स जितने भी फ़ीचर थे वो सारे के सारे फ़ीचर मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। बस वीडियो एडिटिंग क्या है, क्रिएटिविटी का खेल है। जितना ज़्यादा आपका माइंड क्रिएटिव होगा, आप ये सारे टूल्स का यूज़ करके अलग अलग वीडियो अलग अलग इफेक्ट से क्रिएट कर सकते हैं और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होंगी। लेकिन जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग की ये कैपकट की देनी थी और वीडियो एडिटिंग की देनी थी वो सारी मैंने दे दी है। इससे ज़्यादा कहीं भी आपको कोई नहीं सिखाएगा। सो ये जितनी भी बेसिक एडिटिंग टिप्स थी इनको फॉलो करके आप अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और प्रोफेशनल बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।